और उसके बाद वो सरकार नहीं बना पाए, किस तरीके से आप देखते हैं वहां के रिजल्ट को? महागठबंधन को जनता ने समर्थन दिया, पूरा समर्थन जनता का उनके साथ था, सीटें भी लगभग जीत गए थे। इतना बड़ा धोखा लोकतंत्र में किसी के साथ नहीं हुआ होगा जितना धोखा भारतीय जनता पार्टी ने वहां के लोगों के साथ किया है और महागठबंधन को बेईमानी से हराया है। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को एक सीट मिली है, तो आने वाले विधानसभा में क्या लगता है, इस पर कोई असर पड़ेगा समाजवादी पार्टी? जितनी थी उतनी जीत गए। जब चुनाव डीएम एसपी एडीएम एसडीएम एसओ सिपाही लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी, उनकी सरकार के जितने भी अधिकारी थे वो सब चुनाव लड़ रहे थे। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि बिहार चुनाव में गड़बड़ी हुई, क्या आपके पास का पार्टी पास कोई ऐसे प्रमाण मिले हैं कि वहां गड़बड़ी की आशंका? कमाल है, आप इतने बड़े चैनल में आप ही दिखा रहे थे कि बैलेट गड़बड़ हो गया। जो चुनाव में परिणाम आने चाहिए थे, जो जनता जान रही थी, जो समझ रही थी, सब सर्वे फेल हो गए। आप एक दिन से पहले दिन से सोचिए, इतना जन समर्थन किसकी रैली में था? सबसे ज्यादा जन समर्थन महागठबंधन की रैलियों में था। जितने भी देश के सर्वे थे, उन सर्वेयों में ऐतिहासिक जीत की तरफ बताया गया, लेकिन जब मशीन खुली, परिणाम आया, रिजल्ट रोके गए, सर्टिफिकेट किसी और को दे दिए गए। यही तो आरोप महागठबंधन के नेताओं का है, क्या ये नहीं हुआ?